हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीसी ज्वेलर्स पे। फ्रेंड्स, तो काफ़ी अच्छी तेज़ी में है, क्या अब इसमें इन्वेस्टमेंट करना सही है? नहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। जिसने भी अपनी पोजीशन बना रखी है या फिर आप बनाना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले। वीडियो को पूरा जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, ताकि जब भी मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और एक साथ ही में कमेंट जरूर करना कि कितने प्राइस पर कितनी क्वांटिटी आपने अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रखी है। अब बात करते हैं भाई कंपनी के ऊपर, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना सही है या नहीं। मेरे अकॉर्डिंग नहीं। अब कहोगे आप, क्यों, स्टॉक तो अच्छा है, तेज़ी दिखा रहा है और पहले भी अच्छे रिटर्न दे चुका है। तो भाई मैं आपको बता दूं, इसके जो फंडामेंटल है ना वो ख़राब हैं। और साथ ही में अभी इनके क्वार्टर फोर के रिजल्ट आए थे, शायद आपको पता भी होगा, इनके क्वार्टर फोर के रिजल्ट भी अच्छे नहीं आए। पता नहीं किस बेस पे कंपनी में पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। पता है इनकी टोटल रिवेन्यू तो आई है इनक्रीज़ होके, लेकिन जो लॉस है वो फिर से बढ़ के आया है। काफ़ी बड़ा लॉस कंपनी को हो रहा है। और आप सभी को मैं यही कहूँगी कि भाई बहुत ही कम अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करना, अगर करना भी चाहते हो, क्योंकि देखो फंडामेंटल ख़राब है, ठीक है, साथ ही में क्वार्टरली रिजल्ट ख़राब आ रहे हैं, कंपनी पे डेट बहुत ज़्यादा है। आप लोगों के साथ पता है क्या होता है, आप सिर्फ देख लेते हो कम प्राइस का है, चलो भाई इन्वेस्टमेंट कर देते, बट आप चेक नहीं करते कि फंडामेंटल कैसे हैं। इसके फंडामेंटल ख़राब हैं, अगर कंपनी पे डेट बहुत ही ज़्यादा है, कल को अगर बैंक करप्ट होगी तो आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, आपका सारा पैसा डूब जाएगा। अब ये एक कंपनी है जेपी, एक तो है जेपी पावर, ठीक है, पावर वाली ठीक है, उसके साथ है उसकी एक और कंपनी है जेपी कुछ है नाम, वो बैंक करप्ट हो गई है। अब जिसने भी उसमें पैसे लगा रखे थे उसका क्या होगा? कुछ नहीं। जो भाई रिटेलर हैं सिर्फ वो फंसते हैं बेचारे, बाकी और सभी जो बैंकों से उसने कर्जा ले रखा है वो कंपनी की एसेट्स बेच के निकाल लेंगे अपना पैसा, जो लेनदार है वो उसमें अपना हिसाब बना लेंगे, लेकिन फंसे कौन? रिटेलर फंसे। अब आप भी ये गलती मत करो भाई, अगर करना चाहते हो ना, जो पैसे गंवाने के लिए तैयार हो ना, सिर्फ इतने ही पैसे इन्वेस्टमेंट करो मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आपकी अपनी खुद की मर्जी है, आप जो करना चाहो, क्योंकि भाई इन्वेस्टमेंट करना तो आपके हाथ में है ना, मेरे हाथ में थोड़ी ना है। तो यहाँ पे हम लेवल समझते हैं कि कौन कौन से लेवल इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। यहाँ पे अगर तेज़ी और भी देखने को मिली तो पहला जो रिस्टेंस है वो 56.25 का, लेकिन फ़िलहाल मार्केट यहीं से रिटर्न आ रही है। यहाँ पे भी एक रिस्टेंस है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देखोगे तो ये ठीक है, यहाँ पर आके शायद ये क्लोजिंग आज दे सकता है। अगर इसका नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर 46.15 के लिए रेडी हो जाओ। अगर इसका ब्रेकडाउन कर देता है तो काफ़ी नीचे के लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। बाकी आपका क्या कहना है इस स्टॉक के बारे में कमेंट करके बताना। मेरे अकॉर्डिंग तो भाई जो पैसे आप गंवाने के लिए तैयार हो ना, वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हो सकता है कि रिटर्न मिले, क्योंकि पहले भी रिटर्न मिले हैं, लेकिन जब एक छोटी सी भी प्रॉब्लम कंपनी पर आई ना, तभी ये संभाल नहीं पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी इसके फंडामेंटल ख़राब है, कंपनी पर ऑलरेडी डेट बहुत ही ज़्यादा है, जिस वजह से मैं कह रही हूँ छोटी सी भी प्रॉब्लम आई तो कंपनी संभाल नहीं पाएगी। तो इन्वेस्टमेंट ध्यान से करना। बाकी आप भी कमेंट करके बताना कि कंपनी के बारे में आपका क्या कहना है, और किसने कितने प्राइस पर कितनी क्वान्टिटी आपने ऐड कर रखी है। और इस वीडियो का मोटिव ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ है, इन्वेस्टमेंट से पहले खुद की एनालाइज़ ज़रूर करना।